ओम वंदे गौ माता। मित्रों, स्वास्थ्य रक्षा से प्रभाव सबका स्वागत करती है। मित्रों, एक प्रश्न बहुत ज़्यादा आता है मेरे दर्शकों का कि हमें अपने ऊपर नियंत्रण नहीं रहता। हम ना चाहते हुए भी बोल पड़ते हैं, हम ना चाहते हुए भी गुस्सा कर जाते हैं, हम ना चाहते हुए भी हस्तमैथुन कर लेते हैं, हम ना चाहते हुए भी जो चीज़ें नहीं खानी चाहिए वो चीज़ें खा लेते हैं। ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं जहां हमें कंट्रोल करना चाहिए पर हम खुद को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और हम उसके परिणाम हमारे साथ बहुत नुकसानदेह हो रहे हैं। हम जानते हैं पर फिर हम आपको कंट्रोल क्यों नहीं कर पाते हमें समझ में नहीं आता, क्योंकि जब शरीर और मन कमज़ोर होता है तो नियंत्रण करना कई बार बहुत मुश्किल होता है। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना चाहिए, आज हम आपको उसके बारे में विस्तार से बताएंगे। क्योंकि आप गलती कहा करते हैं हम आपको पहले वो बताएंगे, उसके बाद सिर्फ दो स्टेप आपको अपनाने हैं और दो स्टेप यदि आप अपना लेते हैं तो आप अपने आप पर नियंत्रण कर पाएंगे। कठिन काम नहीं है, क्योंकि हमें सबसे पहले नियंत्रण खुद की सोच पे करना है। कैसे करना है हम आपको विस्तार से बताते हैं। मित्रों, अब जो आप गलती करते हो उसके नुकसान क्या होते हैं, जैसे माना कि जहां नहीं बोलना चाहिए वहां बोल पड़ते हैं, तो होता क्या है, या तो आपकी बातों को कोई गिनता नहीं है, कुछ कोई आपको मानता नहीं है, फिर आपको लगता है अरे मेरी तो कोई सुनता नहीं है। ये समस्या बहुतों के साथ होती है। उसके अलावा गुस्सा कर देते हैं, नहीं करना चाहिए वहाँ भी हम गुस्सा कर देते हैं, फालतू में गुस्सा आ जाता है, तो इससे क्या होता है संबंधों में कड़वाहट या दरार आ जाती है और कई बार अच्छे बने बनाए संबंध बिगड़ जाते हैं। तो यहाँ भी आपको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। उसके बाद जो लोग हस्तमैथुन आदि कर लेते हैं, वीर्य बहा देते हैं, लड़कियाँ जो गलतियाँ कर लेती हैं, इसके परिणाम स्वरूप जीवन भर उसका पछतावा रह जाता है। क्योंकि जो कमज़ोरी एक बार शरीर में आ जाती है उसका भरपाई करना करीब करीब नामुमकिन हो जाता है, क्योंकि दवाइयां तो हैं ही नहीं इसके लिए। कि जो आप जिस रास्ते पे जा चले जाते हैं उसके बाद जो हानियां होती हैं उसका कारण हम देख रहे हैं, उसका परिणाम हम देख रहे हैं कि हमारे बच्चे आज रोगी पैदा हो रहे हैं। उसके बाद एक सबसे बड़ा कारण जो बनता है, जो सबसे बड़ा एक फैक्टर है इसमें, कि रसना पर नियंत्रण नहीं होता। अब जब रसना पर नियंत्रण नहीं होता तो हम ऐसी ऐसी चीज़ें खा पी लेते हैं जो हमारे शरीर के लिए एकदम कचरा होती है, अर्थात नहीं खाएंगे तो अच्छा है, ऐसा खाना खाने से ना खाना बेटर है, लेकिन लोग नियंत्रण नहीं कर पाते। तो आज हम इन सभी बातों पर और ऐसी और भी बहुत सारी बातें, आपका जिस विषय पर नियंत्रण ना हो रहा क्योंकि इन सब के परिणाम क्या होते हैं आपको भी बता दें। विभिन्न प्रकार के रोग, डिप्रेशन, धातु रोग, थायराइड, ब्लड प्रेशर, क्योंकि ब्लड प्रेशर अक्सर खानपान से ही बढ़ता है, पेट के जितने भी रोग हैं सब इसी कारण होते हैं। और जब पेट खराब होता है, पेट के रोग होते हैं, कॉन्स्टिपेशन होता है, तो उसके बाद कम से कम 100 रोग ऐसे ही लागू हो जाते हैं मित्रों। और ये इतने सारे लोगों रोगों का समाधान आपकी कुछ चीज़ों के नियंत्रण करने से हो जाए तो क्या बुराई है। इसलिए हमारा खुद पर नियंत्रण होना बहुत ज़रूरी है और इसके लिए हम आपको दो जो अभ्यास बताने जाए उसका विस्तार से सुनेंगे, समझेंगे तो आप बड़े अच्छे से कर पाएंगे। क्योंकि हम जो गलती करते हैं, मैं आपको पहले वो भी बता दूं, हम जिस चीज़ से परेशान हैं हम सीधा उसको कंट्रोल करने का प्रयास करते हैं। जैसे मुझे गुस्सा बहुत आता है तो मैंने तय कर लिया कि आज के बाद मुझे गुस्सा नहीं करना, लेकिन दो दिन गया, चार दिन गया, कुछ ऐसा हुआ कि मुझे गुस्सा आ गया और फिर वो डबल प्रेशर से निकलता है कि मैं कब से आपको समझाने का प्रयास कर रही हूँ और आपको समझ में नहीं आता, आप मेरे को गुस्सा दिलाने का काम करते हो, आप ये करते हो, वो करते हो, और हम दूसरों पर सारे दोषारोपण कर देते हैं। वैसे ही खाने के मामले में होता है, अरे सामने दिखता है तो क्या करूँ, खाना ही पड़ता है मेरे को, मेरा ऐसे नहीं रहा जाता है, तो ये स्थितियाँ बन जाती हैं। उसके बाद जो मैथुन आदि करते हैं उनका भी यही हाल होता है कि अरे कंट्रोल ही नहीं होता, क्या करें, सोचने पर भी यही हाल है क्योंकि आपकी सोच भी कई बार इसमें बिगड़ जाती है। तो ये जो बड़े स्टेप हैं, जो आप गलतियां करें, ये सारे आपके बड़े स्टेप हैं और इन पर सीधा कंट्रोल करने जाएंगे तो पॉसिबल नहीं, क्योंकि आप हस्तमैथुन पर कंट्रोल करते हैं तो नाइट फॉल की समस्या आ जाएगी या आपको सपने आने लग जाएंगे, क्योंकि लड़कियों को कई बार सपने में ये चीज़ें हो जाती हैं तो वहाँ समस्या आ जाएगी। इसलिए अब आपको करना क्या है, यदि आप ये दो स्टेप अपना लेते हैं, देखिए आप धीरे धीरे कैसे अपने आप को कंट्रोल कर पाएंगे। और हाँ, ये स्टेप आपको करना है कितने दिन है, 21 दिन से लेकर इसका 3 महीने अभ्यास करिए, उसके बाद आपको इसकी आदत पड़ जाएगी और आदत पड़ गई तो फिर आपको कभी भी अपने ऊपर कंट्रोल करना नहीं पड़ेगा, आपका अपने ऊपर कंट्रोल हो जाएगा और आ जाएगा। आप करेंगे तो आपको पता चलेगा। पहला तरीका मैं आपको बता दूँ, पहला क्या करना है आपको मित्रों, हमें छोटी छोटी चीज़ों पर कंट्रोल करना है और जिसमें सबसे मुझे जो आसान लगता है, घड़ी ना देखना। आप बोलेंगे घड़ी ना देखने का इससे क्या संबंध है, बहुत गहरा संबंध है मित्रों। हम अपनी
कुछ आदतों पर कंट्रोल कर रहे हैं और हम देखते हैं कि घड़ी देखने की आदत हमें बहुत ज़्यादा होती है। हम बात बात पे घड़ी देखते रहते हैं, कुछ हो रहा है घड़ी देखो, कहीं जाना है घड़ी देखो, कहीं इससे आ रहे हैं घड़ी देखो, कुछ करना है सब जगह हम काटा, खाना खाना है, कुछ भी करना है, पानी पीना, कुछ भी करना, हम पहले घड़ी देखते हैं। और जो घड़ी देखते हैं वो बार बार हमें घड़ी देखने की आदत हो जाती है। तो हमें इस आदत को पहले कंट्रोल करना है। तो आप कंट्रोल कैसे करेंगे? माना कि आपको 10 बजे कहीं जाना है, आप सुबह टाइम पे उठ गए हैं, उठने के भी लोग अलार्म लगाते हैं, घड़ी देखते हैं, उसकी भी जरूरत नहीं है, वो मैं आपको बाद में बता दूंगी कैसे सुबह उठा जाए, वो वीडियो मैं अलग बनाऊंगी। हाँ, तो जब आपको माना कि 10 बजे कहीं जाना है, आपको 15 मिनट तैयार होने में लगते हैं, तो 9:45 का अलार्म लगाइए और उठ, 9:45 बज गए, आप उठिए, अपना काम जो कर रहे थे उससे हट जाइए और तैयार होइए और बिना घड़ी देखे आप निकल जाइए। आप बोलेंगे हम जल्दी निकल जाएंगे, तो आप अपनी प्रक्रिया से काम करिए, घड़ी देखने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि उतने तनाव कम हो जाते हैं। वैसे आप ऑफिस में काम कर रहे हैं, जब आप ऑफिस में काम करते हैं तो आपको काम करना होता है, ना कि बार बार घड़ी देखनी होती है। जब आप घड़ी देखते हैं तो टाइम पास करते हैं, इसलिए आपको क्या करना है, काम करना है। लंच टाइम होगा ना, सब उठेंगे, मैं भी उठ जाऊंगा या उठ जाऊंगी, क्या दिक्कत है मेरे को। और स्कूल आदि में तो बैल तो बजती है, आपको पता चल ही जाएगा, क्योंकि हमने स्कूल टीचर्स को भी देखा है कि आप उनको पता है कि 40 मिनट में 30 मिनट में पीरियड्स पूरा हो जाएगा, फिर वो बार बार घड़ी देखते हैं। तो इसका मतलब है कि आप टाइम पास कर रहे हैं। तो ये घड़ी देखना बंद कर दीजिए, बार बार घड़ी मत देखिए, इससे आपके माइंड पर बहुत बढ़िया कंट्रोल आएगा। उसके बाद हमारी कुछ और आदतें होती हैं, आपकी कुछ अलग आदतें होती हैं, सबकी अलग अलग आदतें होती हैं, तो उनमें से अपनी कुछ आदतों को चुनिए। जैसे एक आदत मैं आपको और कॉमन बताऊँ कि बाहर, जैसे कि खिड़की होती है, खिड़की के बाहर से कोई आवाज़ आई, हम क्या करते हैं, क्या हुआ, और देखने को भागते हैं। मत करिए, क्योंकि खिड़की में देख के आपको कुछ अच्छा मिलने वाला नहीं है, आपको नुकसान भी नहीं है, कोई फायदा भी नहीं है, तो खिड़की में क्यों देखना। पर हाँ, उसको देखने के बाद आपके दिमाग में काफ़ी कुछ चलता है, वैसे तो नहीं देखने पर भी चलेगा, क्या हुआ होगा, कैसे हुआ होगा, कुछ पता नहीं चला, और कुछ कोई बात करेगा तो आपका ध्यान वहाँ जाएगा। पर यदि आप नहीं देखें तो फिर भी जल्दी से उचित साइड पे हो जाते, क्योंकि ज़्यादा समय नहीं लगता है, अब देखने के बाद वो ज़्यादा घूमता है। वैसे आपको कोई फिल्म आती है बहुत अच्छी लगती है, आपको किसी कलाकार की फिल्म अच्छी लगती है, आपको लगता है मुझे देखने जाना, उसको कंट्रोल करिए, क्योंकि फिल्म देखने के बाद होता क्या, वो फिल्म आपके माइंड में चलती रहती है और आप फतवा खर्चा भी करके आ जाते हैं, और कई बार उससे आपको नेगेटिविटी भी मिल जाती है, क्योंकि जो फिल्म में काम करने वाले लोग हैं ये कहीं बहुत पॉजिटिव नहीं है, आप ये बात जानते हैं, क्योंकि इनके जो चरित्र हैं, इनके जो व्यक्तित्व हैं, वो कैसे हैं आप अच्छी तरह जानते हैं। तो इनसे हम कुछ अच्छा सीख सकते हैं, ऐसी आप आशा मत करिए। तो हम इन चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद जैसे मुझे कोई चीज़ खाने में कम पसंद है, आ जाए सामने, मैं खाती हूँ, मुझे अच्छा लगता है, मैं खा लेती हूँ, बट कम पसंद है, तो पहले उसको अवॉइड करिए, वो बनेगी मुझे नहीं खाना, और उसके अलावा मुझे कुछ और चीज़ खानी है, सामने आ जाए टेस्टी चीज़, धीरे धीरे उसको अवॉइड करना चालू करिए। और यदि आप ऐसे नहीं कर पाते तो आप एक काम करिए, आपको जो चीज़ खाने में अच्छी लगती है, आप पहले चार खा रहे थे, अब आप एक काम करिए सिर्फ 2 खाइए, पर 2 खानी है ना, तो आप जितनी देर में पहले 4 खाते थे उतनी देर में आप 2 खाइए, अब धीरे धीरे आप 2-1 दिन और जाने दीजिए, फिर उसको 1 खाइए, पर जितनी देर में आप 4 खाते थे ना उतनी देर में आप 1 खाएंगे, उसके बाद आगे धीरे धीरे उसको आधा कर दीजिए, धीरे धीरे इसको आप छोड़ सकते हैं, भले आपको कितना भी अच्छी लगती है कोई चीज़, आप इस तरह उसको छोड़ सकते हैं। अब भले मेरे को कंट्रोल नहीं होता, कंट्रोल आपको यदि करना है तो तरीका ये, धीरे 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 कम 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 कम, और लास्ट में आप और एक चीज़ कर सकते हैं कि जो चीज़ आपको अच्छी लगती है वो घर में बनी है पर आपको नहीं खानी है, तो आप किसी और चीज़ से उससे पहले अपने पेट को भर दीजिए, तो आपको उस चीज़ को खाने की इच्छा नहीं होगी। और ये मैंने अपने ऊपर प्रैक्टिकल किया है मित्रों, क्योंकि मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूँ, मैंने क्या प्रैक्टिकल किया है इसके बारे में। मैं सूरत जाती हूँ, सूरत में एक जगह है जो सूरत वाले जानते हैं, चौटा पुल में एक दुकान है आइसक्रीम की, बहुत अच्छी आइसक्रीम होती है, जनता की आइसक्रीम। अब जनता की आइसक्रीम जिसने खाई होगी उसको जनता की आइसक्रीम का स्वाद पता होगा, और मैं उस आइसक्रीम को, मैंने मतलब आपको बता दूँ तो मेरी भाभी जब से ब्याह के आई थी बड़ी वाली, तब से जनता की आइसक्रीम हमने खाना चालू किया, उससे पहले मुझे पता ही नहीं था, हम बाहर खाते ही पीते नहीं थे, तो भाभी ने खिलाई तब से मैं बहुत खाती थी, और हाँ आइसक्रीम मुझे बहुत पसंद थी। अब पसंद थी इसलिए कह रही हूँ कि अब मैं नहीं खाती, क्योंकि मुझे बहुत नुकसान करी आइसक्रीम, उसकी वजह से मेरे शरीर में बहुत सारी समस्याएं आई हैं, तो मुझे पता चला तो मैंने उसको पूरी तरह छोड़ दिया। तो अब जनता की आइसक्रीम के सामने से जाना था, मुझे भूख भी लगी थी, सोचा जाऊंगी तो खाना पड़ेगा, फिर क्योंकि भूख मानेगा नहीं मन, तो मैंने क्या किया उससे पहले कुछ और खा लिया, तो जनता की आइसक्रीम की दुकान के सामने से मैं निकली और मेरी खाने की इच्छा नहीं हुई, क्योंकि पेट भरा है। और अक्सर मित्रों जब पेट खाली होता है तो कुछ भी अच्छा लगता है, हमारे एक कहावत है कि भूख ना जाने रूखा भात और नींद ना जाने टूटी खाट, यानी कि भूख लगी हो तो रूखा भात भी अच्छा लगता है और भूख ना लगी हो तो अच्छी चीज़ें भी अच्छी नहीं लगती है, और
वही हुआ कि जब मेरा पेट भर गया तो आइसक्रीम खाने की भी उतनी मेरी इच्छा नहीं, और मैंने थोड़ी बहुत इच्छा हुई तो मैंने उसको हटा दिया, चलो नहीं खाना। तो इस तरह से मैंने उसको कंट्रोल किया। अब ये कंट्रोल आप हर कोई कर सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते, कोई भी कर सकता है। बस इतनी सी बात है, आप धीरे धीरे उसको अभ्यास करेंगे, कंट्रोल कर पाएंगे। और दूसरी बात, जो चीज़ आपको नुकसान करती है, जो आपके लिए घातक है, जो आपके लिए बुरी है, उसको आप एक काम और कर सकते हैं, उसकी बुराइयाँ देखिए, इसमें क्या क्या बुराइयाँ हैं, इसको करने से, इसको लेने से, इसको खाने से, इस चीज़ को करने से आपको कितनी नुकसान हो रही है। जैसे आप फर्स्ट मेथोन आदि करते हैं तो उसको करने के बाद आपको कैसी हानि होती है, कैसे आपके शरीर में फीलिंग आती है, कितना आपको गंदा लगता है, कितना आपको बुरा लगता है, आप उसको देखेंगे, उसको महसूस करेंगे, तो अपने आप उस आदत को आप छोड़ देंगे, क्योंकि आपका मन नहीं करेगा। एक बात ध्यान रखें मित्रों, जो चीज़ आपको नहीं करनी है उसकी बुराइयाँ देखिए, और जो करना है उसकी अच्छाइयाँ देखिए, अपने आप आपको समाधान मिल जाएगा। अब ये मैंने एक स्टेप बताया, अब दूसरा स्टेप मैं आपको बता दूँ, वो है आपकी दिनचर्या, यानी कि जो आपका डेली रूटीन है, कोई भी डेली रूटीन है आपका। पर यहाँ एक निर्देश आपको पहले दे दूँ, यदि आप धातु रोगी हैं, यदि आप हस्तमैथुन आदि करने के रोगी हैं, तो आप एक काम करेंगे, आप रात को 9 बजे, लास्ट से लास्ट 9 बजे अपना मोबाइल इंटरनेट सब बंद करके साइड पर रख देंगे, चाहे आप स्त्रियां पुरुष कोई फर्क नहीं पड़ता, साइड पर रख देंगे। उसके बाद आप 10 बजे बिस्तर पर चले जाएंगे, लेकिन हाँ, यदि आप ये क्रिया करते हैं तो आप बिस्तर पर जाएंगे, अकेले नहीं जाएंगे, आप जहाँ सब लोग सो रहे हैं वहाँ आप भी सोएंगे, क्योंकि एकांत में हम गलतियाँ करते हैं और सबके साथ होते हैं तो हम गलतियाँ करने से बच जाते हैं, तो आप इस बात का ध्यान रखें। और दूसरी बात, सुबह आपकी जितनी बजे आप खुल जाए, 3 बजे के बाद, 10 बजे आप सो जाएंगे, 3 बजे के बाद जब आपकी आँख खुल जाए और आपको लग रहा है कि अब नींद पूरी हो गई या करवटें बदलें, तो आपको उठ जाना है, आपको बिस्तर पे पड़े नहीं रहने, क्योंकि इससे आपको नाइटफॉल की समस्या या दूसरी समस्याएं भी हो जाती हैं, तो इससे आपको बचना है, तो आप ये क्रिया करिए और ये आपको समाधान दे देगा, काफ़ी हद तक समाधान दे देगा। उसके अलावा आप बाकी कोई भी हैं तो आप क्या करिए, आपका जो भी रूटीन है उसको आप फॉलो करिए, यानी कि आप 10 बजे उठते हैं तो 10 बजे से अपना रूटीन बनाइए, और यदि आप 5 बजे उठते हैं, 6 बजे उठते हैं, 7 बजे उठते हैं, वहाँ से अपने रूटीन को बनाइए। डेली रूटीन आपका क्या है वो आप तय करिए, और उसमें एक चीज़ आपको पालन करनी है, अपने रूटीन को ऐसा मजबूत बनाइए कि आप जिस टाइम पर जो चीज़ डिसाइड कर रहे हैं आपको करने हैं। माना कि मैंने तय किया है कि मैं सुबह 6 बजे उठना है मुझे, तो मुझे 6 बजे उठ जाना, मुझे 6 के 6 5 नहीं करना, क्योंकि यदि मैं लेट करती हूँ तो मैं अपनी बात को अपने ऊपर लागू नहीं करती हूँ, तो मैं आगे अपने आप को मजबूत नहीं बना पाती। और मित्रों, जो मजबूत होता है वही अपने ऊपर कंट्रोल कर सकता है, कमज़ोर व्यक्ति कभी अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकता, इसलिए हमने आपको ये बात बताई। उसके बाद आपको कौन सा काम कितनी देर में करना है, आपने पूरा रूटीन बना रखा है, उस अनुसार आप पूरे दिन का रूटीन फॉलो करेंगे, और उसमें यदि आपको लगता है कि कुछ बीच में अड़चन आ रही है तो उस काम को, क्योंकि टाइम पास नहीं करना है इसमें हमें, यदि हम टाइम पास करते हैं तो अड़चनें ज़्यादा आती हैं, और टाइम पास हमारा होता कहाँ है, सोचने में, विचार करने में, या मोबाइल में, या लैपटॉप में, या मूवीज़ देखने में, टीवी देखने में, और गप्पे मारने में, तो इन सब में आपको टाइम पास नहीं करना है। तो यहाँ अपने रूटीन को डेली फॉलो करना है, और जब आप रूटीन को फॉलो करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके पास कितना सारा टाइम बच रहा है, और जो टाइम बच रहा है वो आपका, वो आपके काम करने में सहायता दे रहा है। क्योंकि होता क्या है, गुस्सा क्यों आता है, जब समय पे काम नहीं होता है तो गुस्सा आता है, ये लगता है अरे काम कैसे होगा, कब होगा, और गुस्सा बढ़ता चला जाता है। तो एक बात और, आपको अपने सारे काम खुद करने हैं, क्योंकि जब आप अपने काम खुद करेंगे तो ही आपको पता चलेगा कि आपके काम कैसे होते हैं। और दूसरी बात, यदि आप किसी के ऊपर अपने काम डालते हैं तो वो अपने काम कब करें, इसलिए हर व्यक्ति को अपने काम खुद करने चाहिए। तो आप इसका पालन करेंगे तो इससे आपके शरीर में, आपके मन में एक मजबूती आएगी, आप में निर्णय शक्ति अच्छी होगी, और साथ ही आप अपने ऊपर कंट्रोल कर पाएंगे। मित्रों, दो स्टेप, एक छोटी छोटी बातों को कंट्रोल करिए, उससे आपकी बड़ी बातें धीरे धीरे कंट्रोल होने लग जाएंगी। वैसे ही अपनी दिनचर्या फॉलो करिए, और ये दिनचर्या फॉलो करना आपको अपने नियम पर चलना सिखाएगा। और यदि आप ये कर लेते हैं, 21 दिन से 3 महीने का अभ्यास करिए, उसके बाद आपको आदत पड़ जाएगी, और फिर आप ये अभ्यास लगातार कर पाएंगे। और हाँ, उसके सहायक के लिए, सहायता के लिए, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने जो स्वास्थ्य नियम के वीडियो दिए हैं उनका पूरा पालन करिए। यदि आप पूरा पालन करते हैं, नाक में तेल डालते हैं, पानी का लेवल सही करते हैं, और खाने पीने में सही ध्यान देते हैं, तो आपको ना कब्ज़ होगी, क्योंकि उससे कब्ज़ का समाधान मिल जाता है, तो आपको आलस नहीं आएगा, और आलस ना आने से बहुत सारी चीज़ें समाधान हो जाती हैं। तो आप फॉलो करके देखिए, फिर हमें बताइए कि आपको कैसा लगा, क्योंकि समय लगेगा, क्योंकि आप जितने समय में बिगड़े हैं उसको, रूटीन को मजबूत बनाने में समय लगता है। और हमारे एक बात है,
आपको बता दूं कि कोई अच्छी बात होती है, कोई अच्छी आदत होती है, उसे हमें पकड़ने में समय लगता है और बुरी चीज़ें हम बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं। मित्रों, चार दिन कोई शराब पीता है तो उसको शराब अच्छी लगने लग जाती है, लेकिन सत्संग में महीने दो महीने भी जाए ना तो सत्संग की आदत जल्दी नहीं पड़ती है। ये हमारा स्वभाव होता है, हमें बुराइयाँ सहज स्वीकार्य होती हैं। वैसे ही जैसे एक दीवार पर एक दाग होता है तो हमें दाग दिखाई देता है, साफ दीवार बाकी नहीं दिखाई देती है। एक कपड़ा कहीं से फटा तो हमें फटा हिस्सा दिखाई देता है, बाकी पूरा अच्छा कपड़ा वो हमें जल्दी दिखाई नहीं देता। तो हमारा स्वभाव होता है बुराइयों को पकड़ने का, इसलिए हम इस तरह से परेशान होते हैं। तो यदि आप अपने आप पर कंट्रोल करना चाहते हैं, इनको पालन करके देखिए, आपको पता चलेगा कि आप कितनी जल्दी ये काम कर पा रहे हैं। और कोई प्रश्न तो टिप्पणी वीडियो पर करिए, इंस्टाग्राम फेसबुक और डिस्क्रिप्शन में, वहाँ भी प्रश्न कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा वो हमें अवश्य बताइए, क्योंकि जब आप बताते हैं डिसलाइक लाइक करके या कमेंट करके कि आपने ऐसी जानकारी दी, हमारा उत्साह बढ़ता है। और यदि आपको अच्छा नहीं लगा तो हमें वो भी बताइए कि हम क्या सुधार करें, हम वो भी करेंगे। तो धन्यवाद, वंदे मातरम।